देश भर में 16 जनवरी कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है। शनिवार को कोविड 19 वैक्सीनेशन के पहले दिन 19.1 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जा रही है। इससे कोरोना का कहर झेल रहे लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य और चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात से चिंतित भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, बल्कि अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने वालों की एक छोटी सी गलती भी कोरोना को फैलने का मौका दे सकती है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के टास्क फोर्स ऑपरेशन ग्रुप फॉर कोविड के हेड डॉक्टर एनके अरोड़ा कहते हैं कि किसी भी बीमारी के साथ डर और निश्चिंतता साथ साथ चलते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद लोग निश्चित ही कोरोना वायरस के खतरे से सुरक्षित रहेंगे और ये चीज उनके भी दिल दिमाग में बैठ जाएगी। इस दौरान पूरी संभावना है कि वो लोग कोरोना को लेकर ये गलतियां कर सकते हैं, जैसे मास्क का उपयोग कम करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, कहीं भी किसी भी चीज को छू लेना और साबुन से हाथ ना धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करना। कोरोना वायरस के प्रभाव वाली जगहों से आकर परिवारों के साथ घुलना मिलना, परिवार के बीच में रहकर कोरोना नियमों का पालन ना करना, बाहर से सामान लेकर खा लेना आदि। ऐसा करने पर वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोरोना वायरस उसके माध्यम से उसके परिवार और सगे संबंधियों तक तेजी से चला जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि परिवार कोरोना बीमारी की चपेट में आ जाएगा। इस दौरान कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों की जान पर भी खतरा बन सकता है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।